दोस्तों, कई लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या उनका GFR ठीक हो सकता है। दरअसल में GFR एक नंबर होता है जो आपके क्रिएटिनिन, आपकी उम्र और आपके जेंडर को मिलाकर तय किया जाता है। वहीं क्रिएटिनिन वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आपके मसल के टूटने से बनता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट आपके खून में पाया जाता है। वैसे तो आपकी किडनियां इस वेस्ट को फिल्टर करके यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। अगर आपके खून में क्रिएटिनिन की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनियां ढंग से काम नहीं कर रही। आपके शरीर का हेल्दी क्रिएटिनिन लेवल इस पर भी डिपेंड करता है कि आप में कितनी मसल्स हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है और कहीं आप एथलेटिक तो नहीं। इसलिए हर इंसान का नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल अलग अलग हो सकता है। इसलिए सिर्फ क्रिएटिनिन से आपकी किडनी की हालत पता नहीं की जा सकती। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं GFR नंबर का। GFR एक बहुत एक्यूरेट नंबर है ये जानने के लिए कि आपकी किडनियों की करंट हालत कैसी है। इससे ये भी पता चल जाता है कि आपकी किडनी की बीमारियां अभी किस स्टेज पर हैं। अगर आपका GFR कम होता जा रहा है तो एक बहुत ही बुरा साइन है। जनरली आपका GFR 60 से ऊपर होना चाहिए और आपका क्रिएटिनिन लेवल 1.2 से कम ही होना चाहिए। तो क्या आपका GFR नंबर सही खाने से और एक्सरसाइज करने से ठीक हो सकता है? वैसे तो अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी सही होता है। बाहर का खाना खाने से बढ़िया अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा हो सकता है। ये भी जानना जरूरी है कि अपने खाने में नमक का कम इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए काफी अच्छा होता है और आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने में आपकी मदद करता है। आपके यूरिन में प्रोटीन भी नहीं जाता और आपको सांस लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। आपको एक और तरीके का न्यूट्रिएंट नहीं खाना होता जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। अगर आपकी डाइट में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होगा तो आपका वेट धीरे धीरे गिरता जाएगा। ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाना उन लोगों के लिए ठीक होता है जिनकी किडनियां ढंग से काम कर रही होती हैं। पर अगर आपकी किडनियां ऑलरेडी खराब हैं और आप तब भी प्रोटीन ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो ये आपकी किडनी पर भारी असर डालता जाएगा। आपकी किडनियां आपके शरीर से एक्स्ट्रा प्रोटीन को नहीं निकाल पाएंगी। पर वहीं अगर आप बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन खाएंगे तो आपकी मसल्स टूटने लगेंगी और आपके शरीर में और नुकसान पहुंचता जाएगा। ऐसे में अगर आपका GFR नंबर ठीक भी होता गया तो आपको और भी बीमारियां पड़ सकती हैं। इसलिए जरूरी ये है कि आप उसी प्रकार का खाना खाएं जो आपके डाइटिशियन द्वारा स्पेशली डिजाइन किया गया है। आपका डाइटिशियन आपकी करंट हेल्थ के हिसाब से और आपकी करंट किडनियों की हेल्थ के हिसाब से आपका एक डाइट चार्ट बनाकर जरूर दे देगा, जिसे फॉलो करके धीरे धीरे आप अपना GFR नंबर को बढ़ा सकते हैं। काफी स्टडीज में ये भी पाया गया है कि एक्सरसाइज करने से किडनियों की हालत ठीक होती है और आपका GFR नंबर भी बढ़ता रहता है। पर आपको हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी। आपको जिम जाकर वेट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल डेली वॉक करके भी अपनी किडनियों की हालत में काफी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ढंग से एक्सरसाइज करने से आपका एक्स्ट्रा वेट भी कंट्रोल में आ जाएगा। किडनी की बीमारियों के वक्त जरूरी ये है कि आप एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करके रखें ताकि किडनी के साथ साथ आपकी बॉडी के और भी ऑर्गन्स आराम से फंक्शन करते रहें और उन्हें और भी किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। यानी कि आप अपने अच्छे खाने की आदत और एक्सरसाइज से अपने GFR नंबर को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। पर कुछ लोग ये सब फॉलो करने के बावजूद भी ये देखते हैं कि उनकी किडनी की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनका लाइफस्टाइल कितना भी हेल्दी हो, उनको किडनी की बीमारियां हो ही जाती हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि किडनी की बीमारियों के और भी कई ज्यादा कारण होते हैं, जैसे कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। यानी कि अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के बावजूद भी आपको किडनी की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्टेशन पा लें। अगर आपका GFR नंबर बहुत ही ज्यादा कम है या आपका क्रिएटिनिन नंबर बहुत ही ज्यादा है तो जरूरत यह है कि आप कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान का सहारा लेकर अपनी किडनी की हालत को आराम से सुधार लें। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन डेली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियां ठीक कर दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? नेपाल से। नेपाल में कहाँ से? नेपाल से उदयपुर। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हुई थी? दिक्कत नाक में दर्द हो पहले। अभी हो रहा है? पहले से सही है, कम है। और क्या क्या दिक्कत थी? सफर रहता ना पहला। ठीक है। क्रिएटिनिन भी काफी बढ़ा हुआ था, क्रिएटिनिन में इनका इंक्रीज आ रहा था। पहले बढ़ा हुआ आ रहा था ना, 4.8 था, अभी कम हुआ है। आप इनके साथ हैं, क्या क्या फर्क है? आपने तो देखा होगा अच्छे से फिजिकल लेवल पर क्या क्या फर्क आया है इनको क्रिएटिनिन के, जैसे पहले बढ़ा हुआ था।
खाली उसमें देखने में तो वही कार्टिलेज कम काम होती है कार्ड में थोड़ा वही स्टेबल सूजन थोड़ा ऐसे है पहले से जैसे थोड़ा अभी जो दिख रहा है ऐसे ऐसे ज्यादा तो नहीं खाली इसमें से बता रहे कि रिपोर्ट्स में थोड़ा कम रिपोर्ट्स में आना शुरू हो चुका है क्रिएटिनिन का रिड्यूस होना शुरू हो चुका है और साथ में जो पेन वगैरह था वो भी सबसाइड हुआ है. देखेंगे 4.8 इनका क्रिएटिनिन था जब शुरू किया था ट्रीटमेंट और ये रिपोर्ट्स इन्होंने कराई हैं नेपाल से ही काठमांडू से ही और अभी जो क्रिएटिनिन आ रहा है वो आया है 3.8 हो चुका है इनका क्रिएटिनिन. पहले से काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनको नज़र आया है और जो पहले इनका सारी चीज़ें थी वो भी सब बैलेंस होना शुरू हुई है. क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ है. किडनी का कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी थी किडनी की प्रॉब्लम में पहले से रिकवरी होना शुरू हुई है. नेपाल के निवासी हैं और सभी चीज़ों में इनको इम्प्रूवमेंट्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं. क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से बढ़ता है बड़ा नहीं है और रिड्यूस भी होना शुरू हुआ है विच इज़ इन इटसेल्फ अ मिरेकल. उन्होंने दो बार टेस्ट कराया है जस्ट टू मेक इट श्योर कि क्रिएटिनिन कम हुआ 3.8 एंड अगेन 3.8 ही आया दोनों रिपोर्ट्स में. पहले भी इन्होंने दो बार कराया है. तो देखा आपने कैसे कर्म आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान में इस पेशेंट की किडनी की बीमारियां ठीक कर दिखाई. आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा. इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में. हेल्दी रहें खुश रहें. अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं. हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034. हमारे फोन नंबर हैं 09871712050 01142644274. हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com. अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं.